सरकार ने कहा था कि शराब जब किसी जिले में किसी ब्लॉक में मिलेगा तो वहाँ के BDO, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ का DM, वहाँ का SP, वहाँ के थानेदार सब सस्पेंड होंगे, डिस्चार्ज होंगे। मौत के बाद एक बार भी आप 302 का मुकदमा नहीं किए। 5 सालों में आपने एक बार भी उत्पाद मंत्री से रिजिग्नेशन नहीं लिया। अब कितनी लाश चाहिए सरकार को? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं करिश्मा सिंह। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने दरोगा की हत्या कर दी थी। यह मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि फतुहा विधानसभा अंतर्गत मोहली पंचायत निवासी रामनाथ सिंह की शराब पीने से मौत हो गई, जिसकी सूचना जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को लगा तो वह दौड़े दौड़े फतुहा पहुँच गए। वहाँ पहुँच उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस महकमा शराब तस्करी में मिला हुआ है। मीडिया से बात करते हुए आगे पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और फतुहा विधानसभा मोहली पंचायत सदर प्रखंड, मोहली पंचायत सदर प्रखंड में जिस तरीके से इसी मोहली पंचायत में शराब दो दो जगह बन रहा हो और लगातार आम आदमी की जिंदगी तबाह, और सरकार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मस्त हो, मैं बार बार कहता हूँ कि शराब आज बिछवाने में, शराब बनाने में सबसे बड़ा हाथ नेताओं के का है। लगभग दोनों पक्ष के लोग, नेता, MLA, MP, मंत्री, संतरी, 80-70% MLA, MP, मंत्री, संतरी के गोदामों में शराब का स्टॉक होता है, उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई 5 सालों के अंदर ना तो किसी के संपत्ति की सीज हुई ना तो अविलंब सरकार को 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा देनी चाहिए। और सरकार बलि का बकरा बना देती है सिर्फ दरोगा को, वो भी कभी कभी सस्पेंड करती है और फिर 15 दिन 2 महीने के बाद बहाल करके किसी थाने में लगा देती है। सरकार ने कहा था कि शराब जब किसी जिले में किसी ब्लॉक में मिलेगा तो वहाँ के BDO, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ का DM, वहाँ का SP, वहाँ के थानेदार सब सस्पेंड होंगे, डिस्चार्ज होंगे। मौत के बाद एक बार भी आप 302 का मुकदमा नहीं किए। 5 सालों में आपने एक बार भी उत्पाद मंत्री से रिजिग्नेशन नहीं लिया। अब कितनी लाश चाहिए सरकार को, कितनी हत्या, पूरा बिहार की आम जिंदगी नासूर बन गई है जहरीले शराब से। 4,000 ट्रक डेली आता है बिहार में, इकोनॉमी भी हमारी बर्बाद हो गई। बाहर को हमारे रेवेन्यू नेपाल, बंगाल, झारखंड, UP, हरियाणा, पंजाब जा रहा है, और छोटे छोटे जो अपराधी टुच्चे टाइप के थे अब वो स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर पर चढ़ने लगे और समाज के लिए वो नासूर बन गए हैं। यदि कोई भला आदमी शराब के बारे में कंप्लेन करता है या तो वो मारा जाता है या तो फिर उसको केस में फंसा के जेल भेज दिया जाता है। सरकार से 2 बात पूछना चाहेंगे। ये जो 4 माफिया है आपके बिहार में, एक है आज सबसे बड़ा शराब माफिया जो बिहार को नासूर बना दिया, तबाह कर दी। आपके जितने बिहार की जिंदगी और बिहार की इकोनॉमी और बिहार में अपराध और बलात्कार को बढ़ा दिया। दूसरा जमीन का माफिया जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, नेता और पदाधिकारी का, अरबों खरबों की संपत्ति, सरकारी संपत्ति। तीसरी चीज खनन बालू, क्या कारण है कि पदाधिकारी और सबका पैसा बालू हैबा से लेकर के फोकलेन से लेकर सब लगे हुए। और चौथी चीज पैरेलल ठेका, जितना ठेका बिहार में होता है वो सब के सब नेताओं के रिश्तेदार नेता करते हैं, ये भी लॉ नहीं है। तो ये जो लूट है बिहार में, आम आदमी का जो टैक्स है, रेवेन्यू आप लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोगों के घर में, क्या इससे बिहार की इकोनॉमी बर्बाद नहीं हो रही है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोलैप्स है पूरा बिहार।
उस पर दोनों चर्चा नहीं करेंगे। हम किए सर। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जांच होगी, क्या शराब माफिया नेता और पदाधिकारी की संपत्ति जब्त होगा, क्या एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के ब्लड का सैंपल का जांच होगा 3 महीने के अंदर, कौन दारू पिया है कौन नहीं पिया है, और जो नेता एमएलए एमपी मंत्री और पदाधिकारी दारू पिए हो क्या वो बर्खास्त होंगे, क्या उनकी सदस्यता जाएगी, उन पर एफआईआर होगा। सबसे पहले आप एफआईआर कीजिए उन नेताओं पर जो जनप्रतिनिधि है और उन पदाधिकारी पर जो आपके एक्ट के खिलाफ है। वो कह देगा मैं बाहर पी के आया, तो जो दारू पीते हैं वो दारू बंद करने या दारू के माफिया के खिलाफ कैसे बात कर। विपक्ष इसीलिए मौन है, सत्ता पक्ष तो चलिए माफियाओं से पैसा आ रहा, विपक्ष इसीलिए मौन है कि उनके लगभग एमएलए और उनके नेता शराब में शाहजी पूर्व अंजगा इन्वॉल्व। 25 लाख रुपए की मुआवजा दे, इंक्वायरी करे कि शराब यहाँ कहाँ कहाँ मिल रही बन रही है, मौली में इस इलाके में धड़ल्ले शराब बिक रहा है और आम लोग, 2 लोग अभी मर चुके हैं। हम एफआईआर लॉन्च करने की मांग करते हैं और साथ साथ पटना के इर्द गिर्द जितने शराब माफिया फल फूल रहा है उसके धंधे को समाप्त करने की मांग करते हैं, और पुलिस महकमा जो पूरा का पूरा शराब माफिया को संरक्षण दे रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर। जन अधिकार पार्टी की ओर से 20,000 रुपया मदद की गई है, जरूरत होगी तो इनके दोनों बच्ची की शादी में पप्पू यादव 25,000 रुपया मदद करे। तो आपने सुना, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर शराब तस्करी को रोके या पूरा मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि शराब बिहार के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया है, प्रदेश में कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां शराब की तस्करी नहीं होती है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।